चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में स्थित विवेकानंद पुस्तकालय में ई लाइब्रेरी की प्रयोगशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह हुड्डा पुस्तकालयाध्यक्ष ने सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी छात्रों को इसके प्रयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बहुत ही महत्वपूर्ण है और फायदेमंद तो है ही है, खासकर हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको, उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। जितना अच्छा आप जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हैं उतनी ही अच्छी आपकी रिसर्च की क्वालिटी आती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद हमारी जो डिपार्टमेंट है उसमें जो आज की ट्रेनिंग लाइब्रेरियन साहब ने की है, प्रोफेसर शैलेंद्र हुड्डा ने, उसका असर आने वाले समय में दिखेगा और हमारी प्रेजेंस जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स हैं उसमें हमारे डिपार्टमेंट की प्रेजेंस दिखेगी। क्या विश्वविद्यालय के एक आम छात्र भी इस पोर्टल पर अपना एक्सेस कर सकता और जानकारी प्राप्त कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे सभी रिसर्च स्कॉलर्स इस पे पहले से थे और जो 4-5 नए स्कॉलर्स हैं उनको आज ऐड कर दिया गया है, तो उस पे लॉगिन कर सकते हैं और इससे फायदा उठाएंगे हम। आपका व्यक्तिगत अनुभव एक लंबा रहा है, उसके आधार पर कैसे देखते हैं समय अनुसार इस गतिविधि को? ये सबसे बेहतरीन गतिविधि है। लाइब्रेरी का जो ई रिसोर्सेज का जो पार्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है लाइब्रेरी के लिए और रिसर्च के लिए, और इसका असर दिखेगा आने वाले समय में। मैं प्रोफेसर अभय सिंह, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के बिहाफ पे, जिसका इंटरेक्शन ई रिसोर्सेज के बारे में हमारे लाइब्रेरियन प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह ने अभी हमें पूरा डिटेल में बताया, इसके लिए मैं लाइब्रेरियन प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद भी करता हूं और उनके इस इनिशिएटिव को बधाई भी देता हूं। जहां तक इस तरीके के रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की बात है, समय के साथ शिक्षा और अनुसंधान के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है कि हम लोग इन चीजों के माध्यम से बहुत ही ब्रेविटी फॉरम में, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है रिसर्च की, एक्सटेंशन की या एजुकेशन की, उन चीजों को बहुत कम समय में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर शैलेंद्र और इनकी पूरी टीम का धन्यवाद भी करते हैं और हम तो इनसे ये भी उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की सिर्फ ई रिसोर्सेज सब्सक्रिप्शन ही नहीं, ई डिजिटल और प्लेटफॉर्म जो एक्सेस ये जितना वाइड लेवल पे कर सकते हैं उतना करें, ताकि स्कॉलर्स का भी और टीचर्स का बहुत ही कम समय में अपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सेस करने और उसको पढ़ने और अपने शोध कार्यों में यूज करने में सहायता मिल सके। इस शिविर का क्या उद्देश्य है और आगे क्या इस गतिविधि को निरंतर जारी रखने का प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा? इस शिविर का उद्देश्य है कि रिसर्च की जो क्वालिटी है वो बढ़े, बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने जो है ई रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें, और आगे की हमारी ये प्लान है कि मंथली जो है बेसिस पर हम बच्चों को इसके बारे में जो है नॉलेज प्रोवाइड करवाते रहें। शिविर में कितने प्रतिभागी के रूप में देखते हैं, कितने विभाग के अध्यापकों ने और रिसर्च स्कॉलरों ने हिस्सा लिया है? 8 जो है हमारी जो फैकल्टी है उसमें से जो 5 फैकल्टी है वो आज हिस्सा ले चुकी है और कल जो है बची हुई 3 फैकल्टी है वो हिस्सा लेंगी, और इसे जो है स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स है बड़ा पॉजिटिव है और हम चाहेंगे कि स्टूडेंट जो है ज्यादा से ज्यादा इसको जो है सर्च करें जो हमारे पास ई रिसोर्सेज है। सभी को राम राम भाई और बहनों को, यहाँ हमारा ये न्यूज़ चैनल है हरियाणा पॉलखोल, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप प्लीज़ उसे मिस ना करें। थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।